उस लड़के के पास अब चीजों के आर पार देखने की शक्ति आ गई थी और समय के साथ साथ उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ने लगती है। जब एक दिन उसके दादाजी उससे मिलने के लिए आते हैं तो उनके पैरों पर लगी धूल को देखकर उसे ये दिखाई दे जाता है कि वो धूल कहाँ से आई है। और जब उसके दादाजी उसे एक लॉकेट देते हैं तो वो उसको बनाने का तरीका और उसे जुड़ी अपने दादाजी की यादों को देख पा रहा था। रात में उसका दोस्त उसे एक 1000 साल पुरानी कीमती बोतल दिखाता है जिससे खरीदने के लिए उसने बहुत बड़ा लोन लिया था। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसे हाथ में लेता है उसे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल नकली है। अब उनके ऊपर काफी बड़ा कर्जा था जिसे चुकाने के लिए वो बाजार में कोई कीमती चीज ढूंढने लगते हैं। लेकिन वह जितनी भी एंटीक चीजों की दुकानें थी उन सब में तो नकली माल भरा पड़ा था। तभी उसे एक प्लेट नजर आती है जो 1200 साल पुरानी चिंग डायनेस्टी की थी। वो जल्दी से उसे खरीद लेते हैं और उसे बेचकर मालामाल हो जाता है। धीरे धीरे वो कई सारी चीजें खरीदते हैं और काफी अमीर हो जाता है। इस बात की खबर दी ऑर्डर नाम के संगठन को पड़ती है जो उस लड़के की शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है। वो उसकी शक्तियों के पीछे का राज खोजने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लड़का एक छोटी सी दुकान में काम किया करता था। एक रात कुछ गुंडे उसकी दुकान में घुस जाते हैं। उनसे लड़ाई करते वक्त एक गोल्डन आई नाम के आर्टिफैक्ट का टुकड़ा उसकी आंख में चला जाता है और उसे ये पावर्स